बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। सीखते जाओ कि एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह तुर्किश ड्रामे अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट से वीडियो, ऑडियो और टोरेंट फाइल्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नई वीडियोज़ की इतला आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके 1DM एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। ये एप्लीकेशन ऑल इन वन है, इसमें टोरेंट भी है, इसमें ब्राउज़र भी है, इसमें VPN भी है। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपने इसे ओपन करना है और शुरू में कुछ सेटिंग्स होंगी, लैंग्वेज की सेटिंग्स होंगी, उसके अलावा आप इसको परमिशंस इनेबल करेंगे और डाउनलोड लोकेशन सेट कर लें। थोड़ा सा ट्यूटोरियल आपको दिखाया जाएगा। लेफ्ट साइड पे क्लिक करके आप ऑप्शंस या सेटिंग्स देख सकते हैं। अगर आप मोबाइल डाटा पर डाउनलोड्स नहीं करना चाहते तो वाईफाई ओनली पे क्लिक कर लें ताकि जब आपका वाईफाई चल रहा हो सिर्फ तब ही डाउनलोड हो, अदरवाइज ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। अब किसी वेबसाइट से वीडियो डाउनलोड करने के लिए ब्राउज़र के आइकन पर क्लिक करें। कुरलस उस्मान डाउनलोड करने के लिए यहाँ हम सर्च बार में लिखते हैं, कोई सी वेबसाइट ओपन कर लें जिस पे ये वीडियो अवेलेबल हो। देखें यहाँ पर सारी एपिसोड्स अवेलेबल हैं। एपिसोड 39 डाउनलोड करते हैं, इसे ओपन करें। इस एप्लीकेशन से वीडियो डाउनलोड करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको वीडियो प्ले करना होती है। वीडियो प्ले करने के बाद ये ऑटोमेटिकली उसे ग्रैब कर लेगा। जैसे वीडियो प्ले होगी यहाँ ऊपर डाउनलोड वाले आइकन के साथ आपको 1, 2, 3, 4 नज़र आना शुरू हो जाएगा। 2 था तो हम 2 क्वालिटीज़ में ये वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। इसको क्लोज़ करके चंद सेकंड और इंतज़ार करें तो मज़ीद रिजल्ट्स आ जाएंगे। देखें चंद सेकंड वेट करने के बाद अब सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, जिसमें इसको मैं 1080p में और 720p में भी डाउनलोड कर सकता हूँ। जो रिज़ल्ट आपको पसंद है उसके लिए आप यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करें और डाउनलोड पे क्लिक करें। यहाँ से आप अपनी वीडियो फाइल को रीनेम कर सकते हैं, वाईफाई ओनली कर सकते हैं। स्टार्ट पे क्लिक करें तो हमारी फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप किसी भी टाइम ब्राउज़र से डाउनलोड मैनेजर में और इसी तरह डाउनलोड मैनेजर में ब्राउज़र के आइकन पे क्लिक करके वापस ब्राउज़र में जा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि YouTube और Facebook से आप वीडियोस डाउनलोड नहीं कर सकते। नाज़रीन मैंने कुछ वीडियोस डाउनलोड की हैं, जिस वीडियो को आपने प्ले करना हो उस पर क्लिक करें तो ये ओपन हो जाएगी। ये सारी फाइल्स फोल्डर्स की फॉर्म में आपके मोबाइल में सेव होती हैं, आप इन्हें अपने कंप्यूटर में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।